सो हेलो मेरे भाई लोग, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो ये जो गेम प्ले है बहुत ज़्यादा तड़कता फड़कता गेम प्ले है भाई। इस गेम प्ले को पूरा देखना आपको, मतलब इसमें एक्शन भी मिलने वाला है, कॉमेडी भी मिलने वाली है, स्टंट्स भी मिलने वाले हैं। मतलब हर एक जो मूवी में आप देखना पसंद करते हो वो भी इस वीडियो में जो है आपको मिलने वाला है। तो इस वीडियो को जो है पूरा देखना, और मैं यही बोलना चाहूँगा। और भाई यहाँ पे मेरे सारे टीममेट्स को मतलब मैं कहना चाहूँगा गन मिल चुकी है लेकिन भाई पबजी वाले की तो मेरे से अलग ही दुश्मनी हो रखी है भाई। मतलब देख रहे हो, मतलब पबजी वाले तो मेरे को भाई गन ही नहीं दे रहे हैं, मतलब इधर से उधर डोला आ रहे हैं लेकिन एक गन तक नहीं दे सकते हैं। मतलब इतनी पता नहीं क्या दुश्मनी कर रखी है मेरे से भाई। एक गन दे दो बस काफ़ी है हमारे लिए, लेकिन भाई सब कुछ दे रहे हैं बस गन के अलावा। और यहाँ पे फाइनली मेरे को यहाँ पे मिनी 14 मिल जाती है। तो फिर यहाँ पे जो है लूट लाट करने के बाद में हम जो है आपसे मिलते हैं वीडियो में आगे। तो फिर देखते रहिएगा आगे तक वीडियो। तो यहाँ पे जो मैं कहना चाहूँगा, मेरा टीममेट को पता नहीं कहाँ से 2-व्हीलर मिल जाती है मतलब। और फिर भाई हमें याद आता है एक स्टंट मारना, तो हमारा जो टीममेट है वो कहता है कि भाई ये मेरे को भी स्टंट मारना है, एक स्टंट करते हैं चलो। तो मैं कहता हूँ चलो भाई दिखा दो अपना स्टंट आज तुम भी। म्यूज़िक तो फिर यहाँ पे जो है मेरे टीममेट का जो पूरा पोपट तो हो ही गया था। तो फिर अब मैं कहता हूँ मेरी बारी, अब तू देख कैसे करते हैं। तो फिर बस भाई ये लोग देखो भाई, यहाँ पे बाइक तो चल नहीं रही भाई, अपने नशे या बाइक के भी यार बंदे उसको मतलब भाई यार पूरा स्टंट तो क्या ही करेंगे, लेकिन भाई अपने बंदे को जवान दे दी थी। और यहाँ पे एक बॉय आ जाता है तो उसको मारते हैं, लेकिन भाई यार ये लोग मार नहीं देते, इतने हरामी दोस्त हैं मैं क्या ही बोलूँ। मतलब भाई वीडियो मैं बना रहा हूँ लेकिन किल ये सब ले जा रहे हैं भाई, ये कहाँ से भाई, ये ठीक है कोई भाई 0 किल पर बैठे हैं। तो चलो मेरा स्टंट की बाजी थी, तो बस आप लोग बस रेडी हो जाइए भाई स्टंट कर देखने के लिए। एक तो ये बाइक के तो पता ही नहीं क्या ही नशे चल रहे थे भाई, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, मेरे को डर लग रहा था भाई हो भी पाएगा या नहीं। तो बस टाइम आ गया था, और अब दिखाते हैं अपना स्टंट जरा इन दो नंबर को भी। तो बस उससे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा भाई म्यूज़िक बजा दिया जाए। भाई मतलब कतई भाई बहुत मज़ा आ गया ये स्टंट करके, तो क्या ही बोलूँ भाई, आप भी ट्राई करना एक बार। तो फिर भाई मेरे टीममेट को पता नहीं क्या है 2-व्हीलर मिल गई, तो मतलब भाई वो आने का नाम भी नहीं ले रहा है इस कार में। मैंने उसको कितना बोला लेकिन भाई वो तो 2-व्हीलर छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो भाई क्या ही कर सकते हैं हम लोग, हमारा गाड़ी का पेट्रोल भी ख़त्म हो रहा था, ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए स्पीड वोस्ट ऊपर चढ़ भी नहीं रहती, तो हम अपना देसी दिमाग लगाते हैं और सीधे यहाँ से पीछे से गाड़ी को ऊपर भगाते हैं, क्योंकि भाई पेट्रोल था नहीं ज़्यादा। तो थोड़ा सी और भाई क्या उतरा था भाई, वैसे ग्राफिक्स ऐसे आ रही है एक बात बताना मेरे को, ग्राफिक्स आई होप कि आपको अच्छे लग रहे होंगे। भाई कुछ गलत मत समझना, ये मैंने वो तो स्टाइल के लिए थोड़ा सा वो स्लो मो डाला था। और यहाँ पे जो है पीछे से एक बॉट ने जो है मेरे को फायर कर दिया, तो भाई अब इसकी बदला तो हमें लेना पड़ेगा, और इसका बदला चुकाने के लिए बॉट को तो अपनी जान देनी ही पड़ेगी। तो फिर भाई इसको यहाँ पे जान देनी पड़ती है, क्या ही कर सकते हैं भाई। लेकिन हम लूट के इतनी भूखे हैं भाई, बॉट को तक इतनी सारी लूट होने के बाद भी बॉट को नहीं छोड़ेंगे भाई हम लोग, क्या ही गजब की बात है। और यहाँ पे मेरे टीममेट जो है मेरे से कहते हैं भाई तू ऊपर नहीं चढ़ के दिखा सकता है, तो लेकिन भाई हम भी किसी से कम नहीं है, हम ऊपर चढ़ के दिखाएंगे भाई। हमें चढ़ना आता है बहुत अच्छे से, डालना भी आता है, बहुत कुछ आता है भाई हमें। भाई क्या क्या कर सकते हैं भाई आप लोगों को नहीं मालूम, यहाँ पे हम चढ़ के दिखाएंगे और ये हम चढ़ के दिखा देते हैं। ओ भाई साहब, यहाँ पे मैं तो 2 मिनट के लिए थोड़ा सा डर गया था कि भाई मेरे को लगा मैं नीचे गिरने वाला हूँ। ये देखो भाई अभी मतलब ये बाइक लेके यहाँ पे मेरे बंदे खेल रहे हैं, मतलब 2-व्हीलर मिल के आ गई है, मतलब भाई साथ ही नहीं छोड़ रहे हैं, तो अपनी पत्नी बना के रख रखा है, मतलब बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है ऐसे भाई। ये क्या मतलब खेले जा रहे हैं
तो फिर यहाँ पे मेरे टीममेट के तो पूरे मतलब एल लग ही जाते हैं, पता नहीं वहाँ पे क्या कर रहा था वो, यहाँ पे पता नहीं नॉक ओके भाई नॉक हो जाता है। लेकिन भाई मेरे टीममेट जो है वहाँ पे जाने के लिए जाते हैं, लेकिन भाई मैं कह देता हूँ उधर जाने का अभी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब वो बचने वाला है नहीं, उसकी पावर ही देख लेता हूँ, वो जो उसे मार दिया है, लेकिन हम उसकी मौत का बदला ज़रूर लेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है, वो लोग नीचे आएंगे भाई, बदला लेना बनता है। उन्होंने हमारे टीममेट को मारा, हम उनकी पूरी टीम को ख़त्म कर देंगे। और यहाँ पे सामने आपको एक बंदा दिख गया होगा, थोड़ी ब्लरिंग आ रही होगी, पता नहीं ये कैसे हो रहा है, मतलब मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा, मैं बहुत ट्राई किया लेकिन ये हट नहीं रही है अच्छे ग्राफिक्स की वजह से। तो फिर पूरी ट्राई करेंगे भाई, उन बंदों को हम छोड़ेंगे नहीं, इतना तो मेरे को मालूम ही चल गया था कि भाई उसने हमारे टीममेट को मारा था। अब ऊपर आपको एक बंदा दिख गया होगा सामने, मतलब वो नीचे की तरफ मतलब पता नहीं क्या कर रहा था उधर खड़ा होके, इसको तो हम नॉक कर देते हैं यहाँ पे इजीली, पता नहीं उधर से क्या मारने की ट्राई कर रहा होगा। यहाँ पे इसको हम पूरा किल भी लेंगे, क्योंकि भाई इस समय हमारे किल ज़्यादा थे नहीं, तो इसको पूरा मारना ज़रूरी था। और ये क्या भाई भाई वो सीधे नीचे गिर गया भाई, देख के कितनी हंसी आ रही थी, कैसे मतलब गिरा। अभी मेरे पास गोली ख़त्म हो गई थी M4 की, तो मैं चाहता था मेरे को लूट मिल जाए थोड़ी सी, और मतलब भाई इतना लूट के बाद भी गोली ख़त्म ही हो गई, लेकिन भाई बंदे की लाश मेरे को दिखी नहीं, तो भाई मैं सोचता हूँ अब छोड़ो अभी क्या लूटना है, जोन भी ख़त्म ही होने वाला है, गोली छोड़ो इंतजाम कर लेंगे बाद में कहीं से भी। तो एक और बंदा मेरे को वहाँ पे सामने दिखता है, तो मैं इसको मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन भाई ये बंदा थोड़ा चलाक होता है और कवर में पहले ही चला जाता है, मतलब फायर सुनते ही, मतलब शायद हमारे पे एम बैठा के बैठा था कि भाई, और सीधे इसको दिख भी जाता है। मतलब अब जो है हमें, मैं तो सोच लेता हूँ कि भाई अब उधर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, उधर से बंदे नहीं आने वाले, तो सीधे हम निकलते हैं सीधे जोन में, कि जोन आ चुका था, और ये जोन का अभी मैं बिल्कुल भी डैमेज नहीं ले रहा था, क्योंकि भाई जोन का डैमेज नहीं ले सकते। और यहाँ पे भाई हमारे टीममेट फुल के फुल भाई स्केटबोर्ड ये सब ऑन करके आ रहे, अरे रे रे डागेंशर बाबू के लग गए भाई, और करो भाई पहाड़ पे, पता नहीं भाई पहाड़ पे क्या क्या कर रहे थे भाई, अब तो मरोगे भाई, मरो भाई मरो मरो मरो। आपको नीचे वैसे बंदा दिख गया होगा, लेकिन मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहता था, क्योंकि भाई अभी मेरा टीममेट ऊपर था और मैं उनसे फ़ाइट नहीं लेना चाहता था। तो फिर अब यहाँ पे एक बंदा भाई पता नहीं क्या ही बन के आ गया था, और मेरे टीममेट के पास भाई RPG होती है, तो इसके तो रख के ही रख के बजा देता है वो अच्छे तरीके से भाई। और अब कुछ बंदे बचे हुए तो उनको अभी ख़त्म करना था, और यहाँ पे एक बंदा उछल भी जाता है, तो भाई इसका तो मुंह तोड़ना पहले ज़रूरी था, इसका किल भी हम ही लेंगे, क्योंकि तो ज़्यादा किल हो नहीं रखे थे भाई, और डैमेज देते रह रहे थे हम, तो बस किल तो आ ही नहीं रहा था। तो फिर इसको मारने के बाद M4 से मतलब 6x हटा के सीधे रेड डॉट लगाते हैं, क्योंकि भाई पता चल चुका था आखिरी का जोन है, 6x बेकार है। और मैं इस बंदे को लूटता हूँ लेकिन ताकि 5K मिल जाए, लेकिन भाई बंदा पहले से गरीब 7K लेके बैठा हुआ था, और आखिरी बंदा भी सामने मिल जाता है, इसको मारते हैं जल्दी से, हमारा चिक निकालते हैं चिकन।